प्रदेश सरकार के नए दिशा निर्देशों के तहत अब आज से गत वर्ष की तरह बॉर्डरों पर पुलिस का पहरा रहेगा। इसी कड़ी में उपमंडल स्वारघाट के तहत पंजाब सीमा के साथ सटे 9 बॉर्डरों पर पुलिस सहित प्रशासनिक टीमें मौजूद रहेंगी। ये टीमें बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की 72 घंटे पूर्व की COVID-19 की नेगेटिव रिपोर्ट देखने के बाद ही उन्हें सीमा के भीतर दाखिल किया जाएगा। इन निर्देशों को अमलीजामा पहनाने के लिए गरामोड़ा बॉर्डर पर COVID-19 सहायता कक्ष स्थापित किया गया था और उसने काम करना भी शुरू कर दिया है। इसके साथ ही प्रशासन की बॉर्डर पर ही बाहरी लोगों का पूरा लेखा जोखा रजिस्टर में भरने की योजना है। SDM स्वारघाट सुभाष गौतम ने बताया कि कोरोना महामारी के इस दौर में किसी भी व्यक्ति को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है जो 7 दिन 24 घंटे सहायता के लिए मौजूद रहेगा। उन्होंने बताया कि हेल्पलाइन नंबर है 01978284094। जी सर, जैसा कि आपको मालूम है कोविड के केसेस को इसी संदर्भ में हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो हिमाचल में एंट्री करा था उसकी वेरिफिकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन बहुत आवश्यक है कि कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, ताकि जो भी पालन करवाया जा सके। जो भी व्यक्ति हिमाचल से बाहर जाएगा उसके लिए भी अनिवार्य है कि अपने रजिस्ट्रेशन करवा के जाए और वेरीफाई करवा के जाए, ताकि अगर 72 घंटे के बीच में वापस आ जाता है तो उससे ना तो क्वारंटाइन होना ना कोई जवाब होंगे। और जो बाहर से आ रहे हैं जो फैंसी जोन से जो आ रहे हैं हाई जहाँ बहुत ज़्यादा कोविड का प्रकोप चल रहा है, जैसे दिल्ली है, तो वहाँ से कोई भी व्यक्ति अगर आता है तो 72 घंटे के कोविड की एक रिपोर्ट लानी उसको अनिवार्य नेगेटिव थी, और अगर वो नहीं है तो उसकी वेरिफिकेशन उसको डेस्टिनेशन पर तो जाने तो ये दिया जाएगा, लेकिन उसको वहाँ पर क्वारंटाइन होना पड़ेगा। तो ये निर्देश है जिसका अनुपालन के लिए आज नाका शाम रात 12 बजे से शुरू हो जाएगा। इसकी व्यवस्था देखने के लिए आज यहाँ आया हूँ, तो जैसे ही फोर्स आएगी तो हम अपनी अरेंजमेंट कर रहे हैं ताकि लोगों को एक अच्छी सुविधा दे पाएँ और बहुत जल्दी से वेरिफिकेशन होकर के लोग अपने गंतव्य की तरफ जाएँ।